सवाल जवाब में आपका फिर एक बार स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज़ के बारे में, स्पेशल चिल्ड्रन के बारे में, और कैसे अगेंस्ट ऑल ऑड्स ये जीतते हैं। मोदी जी, आपसे बात करते हैं कि आप स्नेहा के साथ, दिशा के साथ आप भी गई थी अभी US स्पेशल जी ओलंपिक। क्या माहौल था वहाँ पे? क्योंकि वहाँ पे अन्य देशों के भी बच्चे आए थे, ऑर्गेनाइजेशंस आए होंगे। क्या एक्सपीरियंस रहा आपका? वहाँ पे बेइंतहा खुशी थी। सबसे बड़ी चीज़ जो मुझे लगी कि सब बच्चे स्माइल कर रहे थे, खुश थे, एक दूसरे को ग्रीट कर रहे थे। जो कोचेज वगैरह थे दे वो ऑल्सो वेरी वेरी फ्रेंडली, दे आउट ऑफ द वे टू मीट, एंड देर वॉज नो कॉम्पिटिटिव स्पिरिट। जी इन बच्चों को आप थोड़ा सा पुश दीजिए, दे शाइन, एंड दे एक्चुअली डिड इट। सारे बच्चे, दे इट वॉज इमटीरियल वेदर आप इंडिया के हैं या पाकिस्तान के हैं। पाकिस्तान टीम केम एंड ग्रीटेड मी बिकॉज दे थॉट आई वॉज अ पाकिस्तानी वेयरिंग अ सलवार अच्छा कमीज, सो दे इंश्योर्ड आर यू फ्रॉम इंडिया और पाकिस्तान, एंड इट वॉज अ लवली फीलिंग। दे चीयर्ड फॉर इंडिया, वी एक्सचेंज, दीज चिल्ड्रन वर गिविंग लिटिल पिन्स ऑफ देयर कंट्री, द जी बैचेस, दे एक्सचेंज बैचेस एंड दे वेंट अवे वेरी हैप्पी। सो दैट एटमोसफियर ऑफ हैविंग टू कम्पीट ऑन बेसिस ऑफ फिजिकल, व्हाट डू यू से, योर फिजिकल एबिलिटीज, जी दैट टुक द बैक सीट। बैक सीट, एंड दीज चिल्ड्रन वर देयर टू जस्ट पार्टिसिपेट एंड बी हैप्पी। और एक अवेयरनेस आपने किस तरह से देखी कि बनिस्बत इंडिया में जो सिचुएशन है और वहाँ पर? एक मैं आपको इंसिडेंट बताऊं। माय डॉटर वांटेड टू गो आउट एंड हैव अ मील, जी एंड दे वर नॉट परमिटेड टू स्टेप आउट ऑफ द द ओलंपिक यूनिवर्सिटी विलेज। वेयर दे हाँ वर, या द ओलंपिक्स विलेज वेयर दे वर स्टेइंग। सो विद डिफिकल्टी आई जस्ट अक्रॉस द स्ट्रीट एंड टेक हर आउट एंड ब्रिंग हर बैक। पीपल वर सो अवेयर दैट दिस सॉर्ट ऑफ अ स्पेशल ओलंपिक्स वाज टेकिंग प्लेस। वी सैट देयर एंड सून इनफ देयर वाज अ लिटिल केक व्हिच केम ऑन द टेबल, एंड आई सेड आई एम अच्छा सॉरी आई डिडंट ऑर्डर दिस। जी, So he said, "No, that gentleman there has sent it for your daughter." वाह, ब्यूटीफुल। So this was the appreciation we got there. इंडिया में तो मेरे ख्याल से ज़्यादा लोगों को पता भी नहीं चला कि स्पेशल ओलंपिक्स पता हुए भी हैं। नहीं चला, there was no coverage, India, there was no media representing India there, whereas all the other countries had their media persons with them. They were, all the events were covered by them, but not a single person from the Indian और media was जबकि there. US चाइना के बाद इंडिया का तीसरा नंबर था मेडल जी टैली में। जी डेफिनेटली, बट हम जब नॉर्मल ओलंपिक्स साइलेंट। वगैरह जो होते हैं उसमें तो हमारे बड़े बड़े कंटिंजेंट जाते हैं, बहुत खर्चा होता है और हम लाते कुछ नहीं वापस। यहाँ पे क्या इतने मेडल फीलिंग की टैली मैम विल बी एबल टू टेल यू। वी वर द होल इंडियन कंटिंजेंट वाज, यू वुड सी देम विनिंग वन गोल्ड एट वन इवेंट, द अदर वाज वेयर वी वर स्टेइंग, देर वॉज स्विमिंग हैपनिंग एंड देर वॉज एथलेटिक्स हैपनिंग, देर वॉज फुटबॉल, बास्केटबॉल, वेर एवर वी वॉक्ड द जी? इंडियन टीम वॉज देयर ऑन द डायस रिसीविंग समथिंग और दी अदर, विच मेड अस फील वेरी प्राउड। आई डोंट नो वॉट द मीडिया वॉज डूइंग, वाई कुन दे पॉइंट इट आउट दैट यस इंडिया इज अचीविंग समथिंग। कम से कम जीतना शुरू किए थे तभी पहुंच जाते। दिशा, आप बताइए, आपको कैसा लग रहा था US में? अच्छा है, क्या अच्छा लगा वहां पर? नए दोस्त बनाए? मेरे दो निया मामा, मेहा की स्नेहा के मम्मी मम्मी थी भी ना ना? साथ हाँ। में। और स्नेहा से दोस्ती कैसी हुई? अच्छी दोस्ती है? अच्छे तो आप लोग दोनों झगड़ा करते हो? नहीं नहीं करते? कभी कभी? बिल्कुल भी नहीं। अच्छा, मिलके क्या दोस्ती करते हो आप लोग? क्या करते हो आप लोग? क्या खेलते हो? स्विमिंग ही करते हो सिर्फ? नहीं वहां पे और क्या करती थी US में जब भी गई थी अभी? स्विमिंग के साथ में कभी घूमे कहीं पे? कुछ दिन भर क्या करती थी? बा मैंने पाए नानी हॉकिंग दिशा करो। कवर करो। फिर दिशा और करती थी? हाँ थकती नहीं थी? नहीं नहीं थकती है। आपको क्या करना अच्छा लगता है? सबसे ज्यादा अच्छा क्या लगता है? मम्मी डैडी की वहां पे याद आती थी? नहीं नहीं आती थी? बहुत एंजॉय करती थी? हाँ बात करती थी मम्मी डैडी से फोन पे? नहीं।
आप तो बहुत घूमी हो ना, अलग अलग जगह भी गई हो ना। हाँ कहाँ कहाँ गई हो आप? ऑस्ट्रेलिया भी गई थी ना। ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया किधर अच्छा लगा? ऑस्ट्रेलिया में ज्यादा अच्छा लगा या यूएस में अच्छा लगा? अमेरिका। अमेरिका में अच्छा लगा, क्यों? बहुत अच्छा है। बहुत अच्छा है। मैम शीशमा आपसे पूछना चाहेंगे कि ये बच्चों को जिस तरह से ट्रेनिंग दी गई, जैसा दिशा भी सालों से आपके पास है, किस तरह से आप आइडेंटिफाई करते हैं कि ये बच्चा किस चीज़ में ज़्यादा टैलेंटेड है और उसको फिर इस तरह की इंटेंसिव ट्रेनिंग? जैसे दिशा हमारे पास वो 3 साल की थी, जी तब से उस वो हमारे स्कूल में एडमिशन लेके वो आ रही है। तो हम लोग हर एक बच्चों को मौका देते हैं और देते हैं, वॉट एवरी चाइल्ड हैज़ टू पार्टिसिपेट इन टू स्पोर्ट्स। फिर वो बहुत सारे इवेंट हैं हमारे स्कूल में जो हम देते हैं, बैडमिंटन है, टेबल टेनिस है। सो फ्रॉम देयर वी सी विच चाइल्ड इज एबल टू डू वेल इन विच, एंड इट्स नॉट दैट दे हैव टू बी एक्सेप्शनली गुड, जी दे हैव टू बी एबल टू मैनेज, फॉलो वॉट एवर इज डूइंग, एंड डू, एंड इट शुड नॉट बी फिजिकली टायरिंग ऑल्सो फॉर देम, बिकॉज जी वी ऑल्सो कंसिडर दैट दे आर केपेबल ऑफ एबल टू डू वॉट दे वॉन्ट, एंड दे एंजॉय, दे हैव टू बी हैप्पी, देर इज नो कंपल्शन एज सच। सो वेन द चिल्ड्रन कम अप, एज दिशा केम टू अस व्हेन शी वॉज एज ऑफ 3, दिशा वॉज नॉट इवन वॉकिंग, देन वी एट द एज ऑफ 10 शी स्टार्टेड स्विमिंग, देन शी स्टार्टेड डांसिंग, सो एक्सपोजर वॉज गिवन टू दैम, इट वॉज नॉट दैट दे वर जस्ट लेट टू डू, दे वर जस्ट पुट इन द पूल, एंड धीरे धीरे दे ऑल्सो एंजॉयड एंड दे डेवलप, देन वी रजिस्टर्ड आर सेल्फ विद स्पेशल ओलंपिक्स, बट वी नीड टू रजिस्टर इवन फॉर दी स्पोर्ट्स, एवरी ऑर्गेनाइजेशन हैज़ टू register as a member on Special Olympics, okay. And then we have to register our children, and they start having the district meets, so we have to see which children can participate in which event, and that way the training starts. The training starts at the district level, then it goes to the state, national, and when they win, then it is international. Then it depends on their performance, they get selected. Same way we have other activities. This is one is sports, but we have dance, we have music, we have many other events for our children throughout the year. There are a lot of activities in the school, and children give performances. We have a lot of activities for our parents, so the parents also get involved, and we take them out for various. Sometimes we also let them compete with normal children. The prize is not really is not important, but we want to create an awareness about their abilities. That given a chance. Given a chance, they can do very well. They can show cause their ability. They all have talents in that. जी. We only need to tap them. Tap that. We just need to tap them by giving them an opportunity. So these opportunities are very important which you give them. वर्षा जी आप भी एनुअल जब फंक्शन करती है विष्णुदास में देखने लायक होता है, बहुत ज़बरदस्त होता है. आपके अभी मैंने देखा है एनुअल प्रोग्राम से बच्चे खेलते हैं, नाचते हैं, बहुत एंजॉय करते हैं. मैं समझना चाहूँगा कि आपके जैसे स्कूल्स में, सेंटर्स में जब बच्चे आते हैं, ओवरऑल टैलेंट की बात होती है कि क्या उस बच्चे में टैलेंट है, पर मेडिकली भी, या ऐसा कहें कि क्या इन पे इम्प्रूवमेंट क्या किया जा सकता है? आईक्यू लेवल से अगर कहें, क्या इलाज अगर हम वर्ड यूज़ कर रहे हैं, उसकी क्या पॉसिबिलिटी होती है? किसी भी नॉर्मली आमतौर पर किसी भी डिसेबिलिटी में मेडिसिन खा के कुछ नहीं हो सकता. नॉर्मली ऐसे कि मेडिकल तौर पर ये कहा जाता है कि इट इज़ इनक्योरेबल डिसीज सो कॉल्ड, बट डिसेबिलिटी में इस तरह से होता है कि अगर आप स्पेशल इंटरवेंशन बाय ऑल टर्म्स आई एम सेइंग कि मे बी योर एकेडमिक, मे बी योर थेरेपी इनपुट्स एंड ऑल दिस एक्टिविटी विच दे प्रोबेबली वी कैन टैक देम इन अ गुड वे, तो ये सारे ट्रेनिंग के बाद नॉर्मली नो उनमें एक वो सेंस होता है जो शायद आम नॉर्मल बच्चों से भी कभी कभी ज़्यादा तरीके से होता है. लोग कहते हैं कि सारे डिजेबल बच्चों में एक सिक्स सेंस होता है, जी. तो बेसिकली सिक्स सेंस ऐसे कुछ नहीं होता, बट देन ऑब्वियसली जब उनका एक सेंस कम काम करता है तो दूसरे सेंस के ऊपर ज़्यादा पूरा पावर उस पर चला जाता है. एंड देन ऑब्वियसली जैसे कि हम हमेशा कहते हैं कि हमारा ब्रेन हमारे कैपेसिटी के हिसाब से 2% भी काम नहीं करता है, तो जैसे हमारे सेंसेस भी उतना ही काम करते हैं जितना हमारा ब्रेन अलाउ करता है, तो इसी तरीके से अगर हम कोई विजुअली इम्पेयर्ड बच्चा है तो ऑब्वियसली उसका टैक्टाइल सेंस ज़्यादा काम करने लगता है, वो किसी भी नॉर्मल इंसान से बहुत ज़्यादा एक्सेप्शनली गुड, ये अक्सर देखा गया है ये. हाँ, क्योंकि वो उसको उसका ज़्यादा यूज़ करना पड़ता है, जी अगर
स्पीच ज़्यादा इंटेलिजेंट नहीं होता, जैसे कि अभी दिशा को भी हम सुन रहे हैं तो कभी कभी थोड़ा क्लियर नहीं सुन पाते जी. हैं, बट देन उनके विजुअल सेंस बहुत ज़्यादा इफेक्टिव हो जाते हैं. तो इस तरह से मैं जैसे मैडम ने कहा कि जो है उनके पास उस करना चाहिए, उनके स्पेशल एजुकेटर्स या फिर ट्रेनर्स या फिर जो भी स्पेशल और यहाँ प्रोफेशनल्स हैं उनको करना चाहिए, और पेरेंट्स के मदद से उसको ज़्यादा पॉलिश करके दिशा जैसे स्नेहा जैसे बहुत सारे बच्चे हैं. अनफॉर्चुनेटली एक टर्म मुझे अच्छी नहीं लगती, बच्चे 18 साल के ऊपर भी हो जाते हैं क्योंकि बच्चे ही रहते हैं, तो दे आर ऑल्सो अडल्ट. सो वो वैसे अडल्ट हमें मिलेंगे, PWDs हमें मिलेंगे. मधु जी, ये जो पॉइंट है कि बच्चे बड़े भी हो जाते हैं, आज स्नेहा कहें हम दिशा कहें, ये एक्चुअली एडल्ट हो गए हैं, पर बच्चों का हम कहते हैं कि इनके अभी भी बच्चे हैं. इसमें बहुत कुछ प्रैक्टिकली, क्योंकि आपका बच्चे खुद इस तरह से प्रैक्टिकली काफ़ी डिफिकल्टीज आती हैं, टॉयलेट ट्रेनिंग कहें, नॉर्मल लिविंग कहें, उसको आप किस तरह से हैंडल करते हैं और क्या सजेशन करेंगे कि माँ बाप को कि किस तरह से हैंडल किया जाए? नॉर्मल बच्चों से ज़्यादा आपको पेशेंस चाहिए, और इन बच्चों के साथ है कि आपको वो चीज़ बार बार रिपीट करनी पड़ेगी. दे मेक मिस्टेक्स, पर रिपीट करिए, धीरे धीरे ये लोग समझ जाते हैं, दे आर वेरी रिसेप्टिव. और इनके साथ एक ये चीज़ होती है, दे डोंट रिवोल्ट कि नहीं मैं ऐसा नहीं करूँगी. आप समझा के उनको जितना आप समझा के बताएंगे उतना ही वो उसको रिसीव करते हैं, एंड दे आर एबल टू हैंडल इट बेटर. जो नॉर्मल दूसरे बच्चे हैं उनके बनिस्बत इनको आपको कितने बार रिपीट करना पड़ेगा? कई बार आज तक बच्चे भी वो चलता है कि आप उसको बोलिए तो भूल जाएगी कि अच्छा ये चीज़ उठा के यहाँ रखनी. कुछ चीज़ें हैं जिसके लिए बहुत पर्टिकुलर है कि आपने एक बार उसको बता दिया कि बेटा कोम यहाँ रखना है तो वो वहीं रखा जाएगा, अगर आपने उसको हटा दिया उस जगह से तो भी उठा के वहीं पे रख देंगे. तो घर के कामों में बहुत मदद करती है, आप कहिए कि डस्टिंग कर दो तो यू नो कि कोई चीज़ अपनी जगह से हिलेगी नहीं, वो वहीं वापस डस्टिंग करके वो करते हैं. इन बच्चों से ये एडवांटेज है, मैम वुड नो कि एक बार आप उनके समझ में आ गया तो उसको फिर से इरेज करना इज वेरी इंपॉर्टेंट. To pay over to the tea. To yeah. the tea. You have to be and, to the tea and be yeah. little patient and keep repeating. And I just shared like this. You know, we have in our vocational section, these children cut vegetables. So they get orders from our office, our principal, we all give them orders for cutting. So they come with the cut vegetables and we sometimes make fun. They're not going to give you money. They will not move without getting the money. पहले पैसा लो. सो दे वेरी पर्टिकुलर एंड वेरी परफेक्ट, वॉट एवर यू टीच देम दे लर्न इट वेरी वेल. बट यस, एज यू सेड, दे टेक अ लॉट ऑफ टाइम एंड इफ देयर इज नो प्रैक्टिस दे टेंड टू फॉरगेट. सो दे नीड कंटिन्यूटी. सो एज ऑन टुडे आई एम हैप्पी दैट चिल्ड्रन हैव वन गोल, बट आई हैव अ कंसर्न टुमारो आफ्टर एज ऑफ 26-27 आई कैन से दैट आई डोंट हैव प्लेस टू कीप देम. व्हाट डू आई डू इफ आई स्टॉप देम? दे विल बी एट होम विद नथिंग टू डू. And whatever they have learned for so many years now will be forgotten. And ये बहुत important point आपने raise किया है. बीच में हमने ये भी reports की थी, आपने कुछ बच्चों को place भी किया था कुछ hotels में और अलग अलग जगहों पे, वो experiment कैसा रहा? हम बच्चों को एक मौका देते हैं open placement के लिए, ताकि we say that inclusive. So inclusion is everywhere, even at workplace. लेकिन हम उनको sustain नहीं कर पाते. Because that efficiency is not that compared to the normal people. So it's very important if they are placed, the employer also has to understand the abilities of the children and also the co-workers. They have to be accepted very well. So that becomes difficult. So we had another option. We have a self-help group for them. There also we feel the parents are of course involved, but the age, their health also get sometimes, they are not well because they are worried. The main worry for all parents is future, what will happen to my child when I am not there. So we are also working jointly with the parent to see that they get some sheltered workplace where they can work, because open placement is difficult today in the competitive world. आप लोग वोकेशनल ट्रेनिंग भी दे रहे बच्चों को, जैसे भी आपने मजाक की बात बताई कि वेजिटेबल्स काटने के, ठीक है एक वो भी है, पर उसके अलावा भी आप कुछ कुछ मैंने देखा है आपके यहाँ पे वर्कशॉप्स रहते हैं. हाल ही में राखी जिस तरह से बनाई गई, ब्यूटीफुल राखी इन्हीं बच्चों ने बनाई है, तो इसको आप इवॉल्व करके आप सोचते हैं कि आगे. बट हर्षा जी ये पूछना चाहूँगा कि
ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि एक हद तक आप बच्चों को संभाल सकेंगे, एडल्ट हो जाते हैं जैसे हम कह रहे हैं, वो बच्चे नहीं रहते, एडल्ट हो जाते हैं, माँ बाप आज है, भगवान करे उनका सारा सलामत रहे, बट कल प्रैक्टिकल है, इंसान है, नहीं रहेंगे, ऐसे टाइम पे इनके साथ क्या होगा? जो श्रीश मैम कह रही है, जो जो सपोर्ट चाहिए गवर्नमेंट से कहें, हम सोसाइटी से कहें कि इस तरह के सेल्फ एम्प्लॉयमेंट कुछ एक इंस्टीट्यूशनलाइज कर दिया जाए कि वो कंटिन्यूटी रहे, इसके बारे में आपका क्या कहना? सी, जहाँ तक सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की बात है या फिर इवन एम्प्लॉयमेंट इन एज अ ओपन प्लेसमेंट की बात है, वो फिर भी उसमें लिमिटेड बच्चे आ जाते हैं, यू नो, प्रोबेबली डाउन सिंड्रोम बेबीज इन मेंटली चैलेंज बच्चों में से, इवन बाकी भी डिसेबिलिटी में आई कैन से मोर और लेस माइल्ड और मॉडरेट बच्चे, शायद मॉडरेट शायद इस सब में बैठ सकते हैं, बट देन वॉट अबाउट सीवियर और प्रोफाउंड बच्चे, उनका तो क्या होगा? उनका तो इसमें भी वो नहीं कैटेगराइज हो रहे हैं, मीन्स जो भी माइनस 0.0% सक्सेस रेट है इवन एम्प्लॉयमेंट सेल्फ एम्प्लॉयमेंट में, वो यहाँ पे वो भी नहीं पॉसिबल, तो क्या करना है? सो इसके लिए एक्चुअली अभी राइट नाउ आई एम वर्किंग विद द स्टेट गवर्नमेंट ऑल्सो, इवन विद द स्टेट सेंट्रल गवर्नमेंट ऑल्सो, एक्चुअली वी हैव सजेस्ट रदर आई हैव सजेस्टेड कि एक तीन चार ऑप्शंस मैंने दिए हैं. फर्स्ट तो एक द रिक्रिएशनल सेंटर्स, बिकॉज आफ्टर द एज ऑफ 18 बच्चों को स्कूल में से इट्स अ लिमिट ऑफ एनी स्कूल की 18 साल तक बच्चे रख सकते हैं. ऑब्वियसली प्राइवेट एनजीओज है वो प्राइवेट यू नो फंडिंग के दौर पर कभी कभी बच्चों को उससे ज़्यादा भी रखते हैं, वोकेशनल सेंटर में भी रखते हैं, लेकिन कभी ना कभी तो बच्चा बाहर आएगा. तो मुझे ऐसा लगता है कि इन बच्चों के जैसे हमारे पास यू नो और सीनियर सिटीजन्स के लिए रिक्रिएशनल सेंटर्स है, मुझे ऐसा लगता है कि इन बच्चों के लिए कुछ रिक्रिएशनल सेंटर्स होने चाहिए कि कम से कम वो दिन भर का 2-3 घंटा वहाँ पे जाके खुश रहे. ओके, वो एक ऑप्शन हो सकता है ऑब्वियसली विद द हेल्प ऑफ पेरेंट्स. देन सेकेंड ऑप्शन इस तरह से हो सकता है जैसे कि शेल्टर्स होम, जहाँ पे आप काम करो रहो, एक पेरेंट्स का अपना लमसम अमाउंट कॉर्पस फंड रहेगा, एंड देन इवन जो बच्चे अर्न करेगी उसमें से भी आप मेंटेन कर सकते हो उनका ओवरऑल डेली लिविंग, एंड देन हैप्पी जैसे वो रह सकते हैं वैसा एटमोसफियर. और तीसरा एक जो मैंने सब एक सजेशन दिया था वो एक ये है कि जैसे वृद्धाश्रम रहता है वैसे इन बच्चों के लिए गवर्नमेंट की तरफ से आश्रम्स बनने चाहिए, संकुल बनने चाहिए, अच्छा नाम कुछ दिया जा सकता है, और गवर्नमेंट शुड टेक केयर ऑफ देम. बट पेरेंट्स की बात क्या होगा? अगेन आई एम सेइंग कॉर्पस फंड रखा जा सकता है, आई एम नॉट सेइंग कि पूरी जिम्मेदारी गवर्नमेंट ने उठानी चाहिए, लेकिन एक कुछ तो एक पॉलिसी डिसीजन लेना चाहिए, एंड देन उसका मैनेजमेंट है वो प्रोबेबली एनजीओ एंड गवर्नमेंट साथ साथ कर सकते हैं, इंक्लूडिंग पेरेंट्स. तो उसमें बहुत सारे ऑप्शंस है कि एक तो गवर्नमेंट इंडिविजुअल लेवल पे कर सकता है, दूसरा ये है कि वो पेरेंट्स के सपोर्ट में कर सकता है, तीसरा ये है कि वो पेरेंट्स एनजीओ और गवर्नमेंट तीनों मिलके वो सेंटर्स चला सकते हैं. सो या फिर जैसे कि परिवार सह्याद्री वगैरह काफ़ी इंस्टीट्यूट्स है, पर बेंगलोर में हमने जाके उनका एक सेटअप देखा है जहाँ पे पेरेंट्स ग्रुप ने एक साथ आके 25 पेरेंट्स के ग्रुप्स ने एक वो परिवार जैसे एक सेटअप बनाया, जैसे सेल्टर होम्स है वहाँ पे बच्चे कमाते हैं, आई मीन वोकेशनल ट्रेनिंग लेते हैं, काम भी करते हैं, अर्न भी करते हैं, रहते भी हैं, एंड पेरेंट्स आर टेकिंग केयर इन रोटेशन, एंड विद द ऑब्वियसली दे हैव सेव सर्टेन फंड, बट देन अगेन सी उनके भी ये एक आइसोलेटेड केसेस हो जाते हैं कि कहीं पे घर पे आए हैं. मेन वरी इज व्हाट आफ्टर जी, बिल्कुल दिस इज व्हाइल वी आर देयर, सो द चिल्ड्रन डू नीड शेल्टर होम्स डेफिनेटली. आपके इंस्टीट्यूशन भी काफ़ी सालों से कोशिश कर रही है, नवी मुंबई में ज़मीन की कमी नहीं है और हमारे प्राइसेस भी स्पायरलिंग है, शायद इसी की वजह से आपको ज़मीन भी नहीं मिल रही है. आपको कुछ ऑफर भी किए गए हैं ज़मीन, बट कॉस्ट वाइज फिजिबल नहीं था, पॉसिबल है क्योंकि हम लोग ने अप्लाई जरूर किया था जब उनके जो आए थे एप्लीकेशन, बट लैंड प्राइस इज नॉट अफोर्डेबल फॉर एनजीओज लाइक अस, बिकॉज एज ऑन टुडे वी स्पेंड 6,000 per child is a cost, and we don't charge that much fee from the child. So where are we going to save funds to again buy a piece of land? So at least किस तरह के amount मांगे गए थे आपसे? The cost of the land at time was about 90 lakhs, which is too much, and Khargar to was nearly crore, more than crore. So it's not possible for us to buy land at that rate. बस इस तरह के usage के लिए भी इस तरह के पैसे मांगे? हाँ, because the rate I when I compared I felt the rates for land was much cheaper for normal schools and for special institutions. Achha. When I really made a compare, then the rate for normal school where actually kai normal schools school, ko to 1 rupee pe haan, through our applies mein many politicians do get. But what about us where we are really special schools ko nahi diya jata. Special schools ko diya nahi jata hai. Agar diya offer kiya bhi jata hai, the rates are not affordable for us. And for us,
if we get an allotment letter, definitely we'll be able to raise funds. But we cannot do it without an allotment letter. So they should relax certain rules where we feel that, because it's a service that is required. With these children, with, if you call them children or adults, they need lifelong care. They cannot live without supervision. You manage the government, you man, an NGO man or parent man. You will need land, you will need funds, again maintenance. Even if we all come together and team up and work, definitely we can come up with a beautiful home, especially in New Bombay, where of course land is there, if it is made available, I can tell you, I can give a beautiful place for our special children of Navi Mumbai, and it will be a model for the world. डेफिनेटली होपफुली हमारे अथॉरिटीज थोड़े जागेंगे. एक प्रोग्राम के आखिर में मैम आपसे पूछना चाहूँगी, बहुत एक सेंसिटिव इशू है, आजकल बच्चे वैसे ही सेफ नहीं हैं जिस तरह के आजकल चाइल्ड अब्यूज की बातें होती है. नॉर्मल बच्चे भी सेफ नहीं हैं. ये जो बच्चे होते हैं जिन्हें शायद समझने में थोड़ा कमी हो जाती है कि भाई सामने वाला क्या कर रहा है नहीं कर रहा है, ये बच्चों को किस तरह से बचाया जाए? क्योंकि अक्सर हम ये सुनते हैं कि इन बच्चों को भी नहीं बख्शा जाता है. इन बच्चों को, और ये बच्चे इतने इनोसेंट होते हैं, बहुत सॉफ्ट टारगेट होते हैं, क्योंकि इनको कुछ समझ में नहीं आता है. आप एक मुस्कुरा दीजिए बस, दे वन योर हार्ट जी बिल्कुल, एंड दे आर रेडी टू डू एनीथिंग फॉर यू. स्कूल हैज़ बीन अ मेजर हेल्प. उन लोगों ने बहुत अच्छी तरीके से बच्चों को समझाया हुआ है, तो अब इतना हो गया है कि अगर कोई हाथ भी लगाता है तो वो तुरंत आके बताती है. येट आई कांट, आई एम नर्वस. जब तक वो बस से उतर के घर के अंदर नहीं आ जाती है, आई कीप वरिंग कि रास्ते में किसी ने कुछ कहा तो नहीं, कुछ बोला तो नहीं, कुछ गॉड फॉरबिड कभी कोई कुछ कर देगा, तो दैट टेंशन इज देयर. बट अब ये है कि उनको थोड़ी ट्रेनिंग दी है कि बेटा शोर मचाओ, कोई भी कुछ कहे, क्योंकि यू डोंट अंडरस्टैंड. ये होता है कि नॉर्मल बच्चे हैं उनको अगर आप ये समझाएं और थोड़ा अच्छे से आप समझा सकते हैं, उनको बात ये समझ में भी आ सकती है कि ये गलत क्यों है. इन बच्चों को आप किस तरह से समझाएंगे? नहीं समझा पाते, ये मेजर इशू है जो हम लोग नहीं सॉल्व कर पा रहे हैं कि कैसे समझाएं. We have a lot of training programs in the school also for them, like we teach them about good touch and a bad touch. Because sometimes a person may just happen to touch, it may be a friendly touch also, and then suddenly the child thinks of Christ, then it is not a right thing also, because the person who has just done it in a friendly way would fall into trouble. But maybe it's safer, it is, that is what I've told my daughter, anytime anybody touches and you don't feel good, just make a noise, because maybe others will turn around and look at you. Good touch, bad touch, Then we have other things, like we have cameras everywhere. In the bus we have tracking system. So this is one from our own part as an institution, which we have taken care of the safety of the children. But sometimes it is, you cannot say within even anywhere. Even the societies, even your housing societies, and don't know who may turn up. Yeah. Even children are not safe sometimes in their own house, in their own families. It's sometimes because they can be exploited by anybody. So that's why we have to take care. We have to be alert. At all times, we have to be alert to see where the child is, where in the class also, even after the lunch time, we see that they have group activities, and as teachers, it's a big responsibility, and sometimes that we feel very sad because government staff, yes, they get well paid. But the management paid staff, jo hota hai, unke salaries, aaj ke din mein, they are not that good. So nobody wants to come into this field. It's very difficult to attract good people to work into this field. So this is a very sad it's part. It's not a very good paying job. It's not a paying job, and it involves a lot of hard work, a lot of efforts. It is not a, if NGOs like us really cannot pay them very well, and it's a recurring expenditure. 1 month funds achha aaya to pay kara, aur next month nahi karenge to kuch nahi. So we have to attract, government has to do something about this to improve on these, give grant, salary grants to NGOs, and we can have better facilities for our children. For NGO ke liye government support hai, to definitely we can do a better job, definitely. बहुत बात मेरी आ रही है, फाइनल वर्ड जैसा शिरीष मैम ने कहा है कि गवर्नमेंट सपोर्ट इसमें फाइनली बहुत, पेरेंट्स ने अपना रोल कर लिया है, टीचर्स ने कर लिया है,
बच्चों ने कर लिया है, अब शायद गवर्नमेंट की जरूरत है। बहुत बहुत कम है हमारे पास। वर्षा जी, आपसे भी एक फाइनल वर्ड। या एज आई सेड कि गवर्नमेंट हैज़ अ गुड फंडिंग, ओनली दे नीड टू टेल अस अ टेल देम अ वे टू स्पेंड इट, बिकॉज ओनली डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मनी एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एड्स इज नॉट द ओनली वे ऑफ हेल्पिंग पर्सन विद डिसेबिलिटी। द प्रॉपर इंटरवेंशन फ्रॉम अ प्रॉपर राइट एज इज मोर इम्पॉर्टेंट टिल द एज दे आर रिक्वायर्ड। सो आई विश कि ऑब्वियसली गवर्नमेंट हैज़ वन मॉडल लाइक ए टी सी इन फ्रंट ऑफ देम एंड ऑब्वियसली दैट विल बी रेप्लिकेटेड अक्रॉस द कंट्री। मधु जी, क्योंकि हम दिशा से लास्ट फाइनल वर्ड उनसे लेंगे, आप क्या कहना चाहेंगे आखिर में? गवर्नमेंट शुड बी मोर इंक्लूसिव बच्चों को। माय वरी इज शी हैज़ टू बी एम्प्लॉयड, शी हैज़ टू डू समथिंग ऑन हर ओन। टुडे आई एम देयर टू सपोर्ट हर, माय हस्बैंड इज देयर टू सपोर्ट हर, बट व्हाट हैपेंस आफ्टर वी गो? So government has to think of ways of supporting them, giving them employment so they can look after themselves and they're not a burden on anybody else. My daughter is there, I'm very confident that she will look after her, but I don't know where, which part of the world she will be. उनकी अपनी ज़िंदगी होगी, उनकी अपनी ज़िंदगी होगी, वो उसके लिए खड़ी हो पाएंगी कि नहीं खड़ी हो पाएंगी। So for these children there should be more support by the government. दिशा, आप क्या बोलना चाहोगी? लास्ट में क्या बोलना चाहोगी? आपको क्या चाहिए? आपको क्या करना आगे? हो कहा जाती है स्कूल में? काम करती है स्कूल में? काम करती है स्कूल में। और काम करना चाहती हो? And she, Disha is a person who spreads happiness. Wherever Disha goes, there is happiness. And she's always smiling. She makes people around her happy. Wherever Disha is, there is happiness. No, Disha? Office mein kaam karna hai, Disha? Disha hame Disha dikha rahi hai कि वो आगे कहाँ बढ़ना चाहती है और हमें कहाँ आगे बढ़ना चाहिए। इन्होंने तो सब अपना काम कर दिया, अब वक्त है सोसाइटी का, गवर्नमेंट का, कि हम सब मिलकर इस बारे में कुछ सीरियसली सोचें। सवाल जवाब में आज के लिए सिर्फ इतना ही। इजाज़त दीजिए, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।